खुदा और मोहब्बत ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नहीं जो फरहाद से बेपना मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है कि फरहाद अब कभी भी वापस नहीं आएगा। अगर फरहाद के दिल में भी उसके लिए कोई मोहब्बत होती तो वो वापस जरूर आता। इसीलिए जब नाहिद के वालदैन नाहिद से शादी की बात करते हैं तो नाहिद शादी के लिए हाँ कर देती है। नाहिद के लिए किसी और का नाम अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो फरहाद के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तो नाहिद की शादी के दिन वो बहुत ज्यादा रोती है। तब फरहाद की वालदा नाहिद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फीदी को कितना पसंद करती थी, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर फीदी को हमारी फिक्र होती तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाता। उसने तो एक मर्तबा भी हमारे बारे में सोचना भी गवारा नहीं किया और हमें छोड़कर इतने दूर चला गया। बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशियों से करो, फरहाद को अपने जहन से निकाल दो। लेकिन फरहाद की वालदा को इस बात का इल्म नहीं कि फरहाद तो माही की मोहब्बत में दीवाना हो चुका है। उसे माही की मोहब्बत में कुछ याद नहीं, यहाँ तक कि वो तो अपने घर वालों तक को भूल गया है। एक तरफ नाहिद से फरहाद की और दूसरी तरफ फरहाद से माही की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही।